और मतलब जो है यहाँ तक ये गाड़ी आगे रहती है। नमस्कार, मैं अमित द्विवेदी, आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने चैनल पावर ऑन व्हील पर। और एक और सुपर वीडियो में आपको मैं स्वागत करता हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे साथ जिमनी है और ये रही थार, जिसे हर कोई पसंद करता है। और ये थार के ऑनर हैं डॉक्टर अर्पित। डॉक्टर अर्पित, ठीक है नाम? हाँ जी, हाँ जी। कैसे हो आप? बढ़िया हूँ, कैसे हो आप? कितना टाइम हो गया चलाते हुए? एक साल होने वाला है, 9-10 महीने हो गए। 10 महीने हो गए। 22,000 किलोमीटर करीब चला लिए। 22,000 किलोमीटर चला चुके हैं। आज हम क्या करने वाले हैं, इनके साथ में रेस लगाने वाले हैं। एक ड्रैग रेस करेंगे, सिर्फ मस्ती के लिए है। एक सेफ एनवायरनमेंट में आपके लिए ड्रैग रेस लेके आ रहे हैं। तो देखते हैं इन दोनों में से कौन सी जीतेगी ड्रैग रेस में। रेडी? एसी बंद कर लिया? एसी बंद है ना? एसी ऑन। तो ये डॉक्टर अर्पित जो है एसी बंद कर चुके हैं। फोन रख दो। हाँ, तो ये इसके बाद में अभी हम एक पराठा भरेंगे, चलें? वो भैया गिराएंगे रुमाल, इसके बाद में हम भाग जाएंगे। और मतलब जो है यहाँ तक ये गाड़ी आगे रहती है, बट थार आगे निकल जाती है। ये देखो थार मतलब यहाँ तक पहुँचते पहुँचते आगे निकल जाती है। और अगर देखेंगे, क्योंकि वो डीजल इंजन वाली थार है और आपको तो पेट्रोल में, हालांकि मुझे पता है, क्योंकि वो आपको 2.2 लीटर का डीजल इंजन मिलता है। और यहाँ पर आपको जो मिल रहा है 1.5 लीटर मिल रहा है, 100 PS का पावर आउटपुट मिलता है। बट फिर भी अगर आप देखेंगे तो काफ़ी हद तक चुनौती देती नज़र आती है। और ये था, हाँ, बट अच्छा किया आपने, बढ़िया किया, सही था, सही लगा ना। एक काम करते हैं, एक बार फिर से करते हैं यहाँ से। हाँ, तो मैं जब हॉर्न, 3 हॉर्न बजाऊंगा ना, तब शुरू करना। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं है। हाँ, पूरा पीछे कर लें गाड़ी? नहीं नहीं, ठीक है, हो जाएगा। तो एक बार अब फिर से यहाँ से करते हैं, बस थोड़ा सा ध्यान रखना। और अब देखते हैं कि कौन आगे बढ़ता है। हाँ, ये बजाऊंगा हॉर्न, तो भैया रेडी हो जाएं। मुझे पक्का पता है थार ही आगे निकलेगी। वन टू थ्री पे चलना है आगे, कोई बात नहीं। और यहां से मतलब जो है थार क्लियर विनर बनती हुई नजर आ रही है। यहां पर कोई डाउट नहीं है यहां पे कि थार विनर बन जाती है। लेकिन देखेंगे डिस्टेंस बहुत ज्यादा नहीं है, जो पावर आउटपुट देख रहे हैं, जो चीजें बनी हुई हैं, वहाँ पर 100% थार जीतती है। लेकिन चीज़ें अपने आप यहाँ पर क्लियर हो जाती हैं। तो भैया अगर आप रेसिंग वगैरह की बात करेंगे, अगर थार से कंपेयर करेंगे, तो हालांकि वो डीजल इंजन के साथ में है, आपको उसमें पिकअप अच्छा मिलता है, पर अपने 1.5 लीटर के साथ में ये जो गाड़ी करती है ना, उसका कोई जवाब नहीं है। और यहाँ पर बेशक जीती है थार, क्योंकि मुझे पक्का पता था शुरू से, क्योंकि जो नंबर है अपने आप में मैटर करते हैं और नंबर अपनी कहानी अलग से कहते हैं। पर अगर देखेंगे ओवरऑल मायने में, तो इसका जो परफॉर्मेंस है, शुरुआती जो इनिशियल पिकअप है, वो कहीं से आपको डिसअपॉइंट नहीं करता है। तो ये वीडियो था उनके लिए जिनको ड्रैग रेस पसंद है, और जवाब उनके लिए जिनको महिंद्रा पसंद है, क्योंकि महिंद्रा जीत जाती है, क्योंकि थार एक ऐसी गाड़ी है, अगर परफॉर्मेंस की बात करेंगे तो इसका कोई मुकाबला नहीं है। लेकिन जब कंफर्ट, ओवरऑल व्यवहारिकता की बात करते हैं, वहाँ पर जिमनी अपनी जगह बनाती है। अर्पित से पूछते हैं, अर्पित आपका क्या कहना है? हाँ, मतलब 19-20 का डिफरेंस है, वैसे तो ज़्यादा फर्क नहीं था, बट ये है कि जो प्रैक्टिकलिटी है वो जिमनी की एनी डे बेटर है। एक्स्ट्रा सीट्स हैं, सस्पेंशन ज़्यादा कम्फर्टेबल है, तो और फिर अब जो प्राइस आ गया, स्पेशली उस प्राइस के हिसाब से तो बहुत बड़ा मार्जिन है दोनों में, तो डेफिनेटली जिमनी प्रैक्टिकलिटी में तो एकदम बढ़िया है, दोनों गाड़ी विनर है आज। तो थार वाले भी ये बात मानते हैं कि प्रैक्टिकल कार कौन सी है, जिमनी है। तो एक वीडियो डिटेल में किया है इनको क्या पसंद आया जिन्होंने थार खरीदा। मैंने जो
इसको चूज किया है, इस पर एक अलग से वीडियो किया है, वो वीडियो अलग से देख के जाइएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, ड्रैग रेस कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताइएगा। लेकिन ड्रैग रेस कहीं भी ट्राई मत करिएगा, एक सेफ कंडीशन में जाके ट्राई करिए जहाँ पर लोग ना रहते हों, क्योंकि सेफ्टी ज़रूरी है। तो चलिए अब आपकी बारी है कमेंट करके बताने की आपको हमारा वीडियो कैसा लगा।